कर्नाटक सरकार में मंत्री केश ईश्वरप्पा चर्चा में आ गए हैं। उनके ऊपर ठेकेदार संतोष पाटिल को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगा है। इस मामले में ईश्वरप्पा के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। इसी बीच अब जानकारी आ रही है कि ईश्वरप्पा आज अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटों में 325 नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ ही संक्रमण दर बढ़कर 2.39% हो गई है। जहां पर युवती ने छलांग लगाई, वहां नीचे CRPF ने कंबल की मदद से युवती को बचाने का प्रयास किया। इतनी ऊंचाई से गिरी युवती बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ ही देर के चले इलाज के बाद युवती ने दम तोड़ दिया। दुनिया के सबसे अमीर शख्स और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के सबसे बड़े शेयर होल्डर एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने का ऑफर ट्विटर पर ही दिया। मस्क ने ट्विटर का दाम $41 बिलियन यानी तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए लगाया है। मुबादला के साथ मिलकर ब्लैक रॉक रियल एस्टेट 4000 करोड़ का निवेश करने वाली है। यह निवेश टाटा पावर रिन्यूएबल्स की 10.53% हिस्सेदारी के बदले होगा। इस सौदे के तहत टाटा पावर रिन्यूएबल्स की वैल्यू 34,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। बाबर इफ्तिखार ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वह न तो विस्तार मांग रहे हैं और न ही विस्तार को स्वीकार करेंगे। जनरल बाजवा 29 नवंबर 2022 को रिटायर हो रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र पाकिस्तान का भविष्य है और देश में कोई मार्शल लॉ नहीं होगा। ब्रिटिश सरकार ने 2 रूसी कुलीनों के खिलाफ प्रतिबंधों का ऐलान किया है। इनमें चेल्सी फुटबॉल क्लब के डायरेक्टर यूजीन टेनेबॉम और चेल्सी के मालिक रोबन अब्रामोविच के सहयोगी डेविड का नाम शामिल है। मुंबई ने इस सीजन में अपना पहला मैच दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेला था। उस मैच में भी मुंबई के कप्तान रोहित पर स्लो ओवर रेट की वजह से 12 लाख रुपए का जुर्माना लगा था। अब मुंबई को हर मैच संभल कर खेलना होगा, क्योंकि एक बार और स्लो ओवर का मामला आने पर रोहित और उनकी टीम को भारी नुकसान हो सकता है। हार्दिक पांडे की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने गुरुवार को राजस्थान को मात देकर अपनी चौथी जीत दर्ज कर दी है। इस जीत के साथ ही गुजरात अंक तालिका में राजस्थान को पछाड़कर पहले पायदान पर पहुंच गई है। शादी की सभी रस्मों के रिवाज खत्म होने के बाद नीतू कपूर, बेटी रिधिमा और दामाद भरत शाहनी के साथ मीडिया के सामने आई। जब उनसे रिसेप्शन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कर दिया कि कोई रिसेप्शन नहीं होने जा रहा, बल्कि उन्होंने कहा कि सब कुछ हो गया है और अब आप आराम से घर सो जाइए।